मेरे पीछे देख पा रहे हो इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ ओरिजिनल पंछी पेठा की शॉप पे। ये शॉप कहाँ है, कैसे यहाँ तक पहुँचा है, इनका फेसबुक लिंक आपको नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप खोलिए और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आगरा में 4,500 से ज़्यादा शॉप्स हैं, वो हर शॉप पे पंछी पेठा लिखा हुआ है। तो ओरिजिनल और नकली में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, ओरिजिनल और नकली में मतलब आप फ़र्क कैसे जाँच पाएंगे, अगर आप यहाँ नहीं आ पा रहे तो आप कहाँ से सही ले पाएंगे, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दो लाइक, और बिना देरी करते हुए चलिए हम किसी जानकार आदमी से सही इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो चलिए भैया आप हमें बताइए कि ओरिजिनल और उसमें फर्क कैसे करेंगे हम। सर लोकल दुकान पे क्या होता है, एक नॉर्मल बॉक्सेस के डिब्बे मिलते हैं आपको जिसपे एक नॉर्मल पेठा लिखा होता है, उसका अंगूरी पेठा, वो इक्वली पेठा होता है। हाँ। और अगर ब्रांड का पेठा लेना है आपको पंछी का, तो पंछी का लोगो के साथ आप पेठा पिक करें। अच्छा। अगर आपको ये ब्रांड का लोगो दिखाई देगा तो वही पंछी ओरिजिनल होगा, अदरवाइज वो लोकल। अच्छा, और कोई तरीका नहीं सर, आपको मैन इम्पोर्टेंट ये टेपिंग मिलेगा, श्री पंछी लाला है। अच्छा। ये ओरिजिनल साइन आउट है और मैन इम्पोर्टेंट किसी भी दुकान से परचेजिंग करेगा आपको बिल मिलेगा। अच्छा। बिल नहीं देगा तो लोकल, मतलब बिल अगर नहीं दे रहा है तो नकली है और बिल दे रहा है तो ओरिजिनल है। अच्छा, और बिल का भी फायदा क्या होगा सर? फायदा ये होगा, अगर आपका पेठा खराब है तो आपको पैसे रिफंड होंगे, अगर रिव्यूज डालते हैं तो आपका नाम के साथ में आपका नंबर भी डालिएगा, आपको पैसे रिफंड करेंगे या फिर को पेठा खोलेंगे। तो भैया जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये दो एक जैसे लेकिन अलग अलग पेठे, तो हमें थोड़ा बताइए। हाँ सर, पेठे में दो वेरिएशन आते हैं, चीनी बेस्ड आता है, खनी बेस्ड आता है। अच्छा। ये जो है आपका ये लाइट वेट कलर में आता है, ये चीनी बेस्ड होता है। ओके। दिन में हार्ड हो जाएगा। एंड आपका ये डार्क बेस्ड में आता है, ये हनी बेस्ड होता है, अप्रॉक्स 45 डी चलता है। और ये सिर्फ आपके पास मिलेगा? हाँ, सिर्फ हमारे पास मिलेगा और किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, मतलब जो लोकल पे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपके ही स्टोर पे मिलेगा। राइट, ठीक है। और क्या प्राइस आता है भैया? ये इसका 180 केजी आता है। ओके। एंड देन ये 280 केजी आता है। 280 रुपीस केजी। हाँ, तो 100 रुपए का अंतर आता है बस। तो वैरायटी नंबर 1 भैया बताइए हमें। पान पेठा है, हनी बेस वाला। क्या प्राइस है इसका? ये 180 पर बॉक्स आता है, इसमें हाफ केजी आता है, देन ये 12 पीसेस आता है। ओके। ये आपका सैंडविच है, इसके अंदर मावा की स्टफिंग होती है, टेस्ट थोड़ा मच बेटर होता है, इसको ठंडा करके खाएंगे और ज्यादा टेस्टी लगेगा। क्या प्राइस आएगा ये? सेम 180। 180। हाँ। ये आपका चॉकलेट पेठा है, ऊपर मावे के साथ चॉकलेट इंक्लूडिंग है। हाँ। और ये होममेड चॉकलेट होती है तो हार्मफुल नहीं होती है। क्या ये भी 180? सेम 180 बॉक्सेस है, प्लास्टिक बॉक्सेस। ओके। ये आपका कोकोनट रसबेरी है, राउंड शेप में आता है और ये हनी बेस्ड होते हैं, खाने में सॉफ्ट रहते हैं। क्या प्राइस है? ये भी 180। अच्छा। ये आपका सैफ्रॉन केसर अंगूरी है, 280 केजी आता है, हाफ केजी का 140 का बॉक्स। अच्छा। ये हनी बेस्ड है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा इतने सारे वैरायटी, मैं सही बताऊँ तो ऑफ कैमरा मैंने पान वाला टेस्ट कर लिया है और मैंने ये सैंडविच वाला भी टेस्ट कर लिया है, बस चॉकलेट बाकी है। बाकी मैं सही बताऊँ तो अगर मेरे से पर्सनली पूछो हैं तो सारे मामा मिया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया वो ये था, ये सैंडविच वाला जो है मुझे पर्सनल टेस्ट में बहुत पसंद आया। आप देखो आपकी चॉइस है, आपको क्या पसंद है। भैया हमें थोड़ा सा चॉकलेट टेस्ट करवाएंगे। हाँ जी। अच्छा। सो भैया हमें चॉकलेट वाला टेस्ट करवा रहे हैं। सो ये आ गया चॉकलेट वाला। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। सो ये रहा चॉकलेट वाला पेठा। और वो ऐसा अटैकिंग मीठा बिल्कुल भी नहीं है, परफेक्ट मीठा जिसे बोलते हैं वो ये है। ऐसा नहीं रहा कि चॉकलेट है पेठा है तो आप बोलो अरे अरे मीठा पेठा ना। जो लोग चॉकलेट के शौकीन हैं, चॉकलेट पेठा इज़ फॉर यू गाइस, 100% लेके जाना। तो मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन पे आओगे तो भाई साहब ये सैंडविच वाला मेरा फेवरेट। तो गाइस ऐसी बात नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पे पेठा ही मिलेगा, जो चिप्स के शौकीन हैं अलग अलग चिप्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो हर टाइप के चिप्स अवेलेबल हैं, मटरी वगैरह भी अवेलेबल हैं। माय गॉड, ये वो वैसी गोलियाँ
हाजमे टाइप की गोलियां हैं, माउथ फ्रेशनर्स हैं, इमली है, तो आपको जो पसंद है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्या क्या है आपके पास नमकीन में फेमस? नमकीन में हमारा एक दाल मोट आता है, सारा बटर फ्राइड होता है, ये ड्राई फ्रूट्स वाला आता है, एक हमारा ये आता है ट्रेडिशनल में प्लेन वेरिएंट, ये दाल मोट है। ये कितने का आता है? ये आपका 250 का आता है, ये 200 का आता है। ओके। ये मूंग मिक्सचर है, ये भी बटर फ्राइड है, ये भी 200 का हाफ केजी आता है। ये रोस्टेड पीनट है, ये भी 200 के हाफ केजी आते हैं। और ये दाल आती है, वाह, ये भी 200 की हाफ केजी आती है, बिकॉज सारे बटर फ्राइड है इसमें, सारे होममेड ही होते हैं, नहीं हैंडमेड होते हैं। ओरिजिनल का टेस्ट ओरिजिनल होता है। और ये रहा मेरा बिल, ये रहा मेरा ऑर्डर, मैंने 820 रुपये के पेठे लिए। तो आप गेस करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने कौन सा कितना पेठा लिया होगा। ये रही मेरी क्वांटिटी। और जिन जिनको जानना है, मैं कल अपने इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कितना लिया। लेकिन जो सही गेस करेगा उसे पेठा ज़रूर मैं खिलाऊंगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो कर दो लाइक, चैनल पर नया चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एक मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।